हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त सीटीएफ के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है लिक्विड बीज। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को आ रहे थे कि सर हमें लिक्विड बीज में पैसा क्यों डालना चाहिए, तो इसके मैं आपको सॉलिड दो तीन रीज़न बताऊंगा कि आपको लिक्विड बीज में पैसा क्यों रखना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। लिक्विड बीज आपको कितना रिटर्न बना के देता है एनुअली और पर डे में भी कितना रिटर्न बना के देता है, ये भी मैं आपको डिटेल में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले निवेदन, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बगल में घंटी का आइकन को दबा के और इसे ऑल पे सिलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि लिक्विड बीज में आपको निवेश क्यों करना चाहिए। तो एक बार मैं आपको लिक्विड बीज के चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहां पे देखेंगे कि जब से लिक्विड बीज चालू हुआ है ना, आपको इसका प्राइस क्या रहता है और क्या रिटर्न इसने बना के दिए हैं। तो देखिए वनडे का आप देखेंगे तो लगभग आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर दीजिएगा इसके प्राइस पे कि इसका जो एक यूनिट है लगभग 1000 रुपये का है, ठीक है, 999.99 ऐसे ही रहता है। ये 1 पैसे का डिफरेंस या 2 पैसे का डिफरेंस इसके प्राइस में रहता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस इसमें आने वाला है नहीं, रहता ही नहीं है, है ना। जैसे 999.99 ऐसे रहता है, इतना नीचे तक जाता है ना। या फिर ये देखेंगे आप, ये बहुत ही हाईली कहाँ तक गया है, 1000 और 0.10 बस इतने तक। तो आप देखेंगे कि इसका मैक्सिमम भी अगर करके देखेंगे तो इसने आपको कैसे रिटर्न बना के दिए हैं और इसका प्राइस कहाँ कहाँ फ्लैक्चुएट हुआ है। तो देखिए आप, जब से ये चालू हुआ है ना लगभग, यानी कि 18 जुलाई 2003 से जहाँ से ये डाटा दिखा रहा है वहाँ से लेके देखिए, वहाँ पे था 999.95 पैसे, ठीक है, और आज भी इसका रेट देखिए तो वहीं का वहीं है। तो लोगों को ना बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सर अगर इसका रेट वहीं है 1 ही 1000 रुपये, तो इसमें प्रॉफिट कैसे बनते हैं, ये रिटर्न कैसे निकाल के देता है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा और इसके एनुअल रिटर्न कितने बनते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जब से ये चालू हुआ है और तब से लेके अब तक इसके जो रेट है यानी कि जो प्राइस है एक यूनिट का वो लगभग सेम है, तो फिर इसमें रिटर्न कैसे बनते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल थे, बिल्कुल होना भी चाहिए कि सर इसका प्राइस तो बढ़ता नहीं है, वहीं का वहीं रहता है। तो मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले रिटर्न दिखा देता हूँ इसकी, कि ये जो है वन डे में कितने रिटर्न आपको बना के देता है और कैसे कैसे ये रिटर्न बना के देता है। तो ये देखिए सिल्वर बीज ही खुला हुआ है यहाँ पे, ठीक है सर। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिल्वर बीज की क्या कहानी है, देखेंगे आप, है ना। तो वन डे में इसके रिटर्न देखेंगे, 1 वीक में देखेंगे तो कुछ खास है नहीं, कुछ खास है नहीं। एब्सोल्यूट रिटर्न आप देखेंगे तो कुछ है, खास है नहीं। लेकिन आप इसके अगर ईयरली रिटर्न देखेंगे ना, तब आपको दिखेगा कि 1 ईयर में इसने एब्सोल्यूट रिटर्न आपको कितने बना के दिए हैं, 5.35% के आसपास, ठीक है। और एनुलाइज रिटर्न अगर आप देखेंगे तो देखिए ये देखिए, है ना, लगभग 5.35% के रिटर्न इसने आपको बना के दिए हैं। और ये जरूरी नहीं कि आपके अकाउंट में जब भी आएगा, जब 1 साल, एक एक साल पूरा हो जाएगा आपका, यानी कि 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा एनुअल रिटर्न जब भी आपको आएंगे, नहीं। देखिए मैंने कुछ खरीदारी करी है, वहां पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसके रिटर्न के बारे में और इसको आपको क्यों खरीदना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें 5% के रिटर्न बनते हैं इसलिए आपको रखना चाहिए, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो डिटेल में चर्चा करेंगे लिक्विड बीज पे और बिल्कुल आपको मैं इसके फायदे बता दूंगा कि आपको जो है इसको क्यों रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, क्या जरूरत है इसे रखने की। तो आप जैसा कि देखेंगे कि अगर आपके अकाउंट में, अगर आपके डीमेट में आपने 2 लाख रुपए लिए, ठीक है, आपने अपने बैंक से 2 लाख रुपए का ट्रांसफर मारा, मैं एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूँ, वरना लोग तो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो 10 लाख या 20 लाख या 25 लाख, है ना, या 50 लाख, ये एक बार में भी ट्रांसफर कर लेते हैं और इतना फंड जो है उनके अकाउंट में रहता है। लेकिन सेबी के नियम के अनुसार, ठीक है, एक नियम है सेबी का कि हर क्वार्टरली जो फर्स्ट फ्राइडे होगा उसमें जो भी आपके डीमेट अकाउंट में फ्री कैश होगा, यानी फ्री कैश जो भी है जिसका यूज नहीं है, उससे आपके बैंक अकाउंट में वापस भेज दिया जाएगा, यानी कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सेटलमेंट कर दिया जाएगा, आपका डीमेट में वो पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ नहीं रह सकता। तो अगर सपोज करिए मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं, तो मैंने मेरे अकाउंट में एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, मैंने 1 महीने तक इससे ट्रेड करा, 2 महीने तक ट्रेड करा, मैंने 2 लाख 20 हज़ार रुपये बना लिए, ठीक है। अब 2 लाख 20 हज़ार रुपये बन गए, अगर 20 हज़ार का मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लोग कहेंगे 20 हज़ार बनते नहीं है सर, तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन ये मेरे वापस से जो है बैंक अकाउंट में सेविंग भेज देगा अगर मैंने सारी पोजीशन को एग्जिट किया हुआ है। तो अगर मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है और मैंने एग्जिट किया, तो ये
जो भी क्वार्टरली, यानी कि क्वार्टरली हर 3 महीने में जो सेटलमेंट होगा उसका जो फर्स्ट फ्राइडे होगा, पहले तो नियम यही था लेकिन अब हाल ही में अगर चेंज हुआ हो तो मुझे पता नहीं है, तो उसमें क्या करेगा सेबी, आपका जो ब्रोकर है वो ब्रोकर आपका जो पैसा है जो फ्री कैश पड़ा हुआ है वो सारा का सारा आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा। फ्री कैश आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एक भी पैसा नहीं रखेगा। तो एक तो इससे आपके अकाउंट में जो है ट्रांजेक्शन है बहुत बढ़ेंगी, यानी कि आप फिर दोबारा से कैश लेके आएंगे अपने डीमेट के अंदर, फिर आपको जो 3 महीने के बाद फिर भेज देगा तो आपको ट्रांजेक्शन बढ़ जाएंगी, आपको हिसाब किताब लगाने में बहुत दिक्कत होगी, और आपका जो पैसा है 1,20,000 30,000 जो भी आप उस पर रिटर्न बना रहे हैं, तो उसकी गिनती रखना भी आपके लिए बहुत ही कठिन है, यानी कि उसका हिसाब किताब रखना भी बहुत ही दिक्कत आने वाली है आपको। तो इसका एक उपाय है कि आपके पास जितना भी फ्री कैश पड़ा हुआ है, जितना भी फ्री कैश बचता है, उसका क्या करेंगे आप जो है उसका लिक्विड वीज खरीद लीजिए। ठीक है सर, क्या खरीदेंगे आप? लिक्विड वीज। तो जैसा कि आपको दिखाया मैंने कि ईयरली इस पे कितना रिटर्न बनता है, तो 5 से 3.5%, यानी कि मोटा मोटा पकड़ लो तो 4.5 से 5%, 5.5% तक के रिटर्न आपको लिक्विड वीज से मिल जाते हैं। तो सही रिटर्न है आपको, ठीक ठाक मिल रहे हैं, और आपके जो फालतू के ट्रांजेक्शन होंगे आपके बैंक अकाउंट, आपके ब्रोकर अकाउंट, बैंक अकाउंट ब्रोकर अकाउंट, आप उस चीज़ से ही बच जाएंगे। ठीक है सर। तो और दूसरा, मार्केट में कितनी भी तगड़ी गिरावट है, कितनी भी तगड़ी गिरावट है, आपका जो ETF है लिक्विड वीज वो हिलने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि दिखाया अभी आपको रिटर्न कैसे बना के देता है मैं वो भी आपको बता दूं। तो ये था इसका पहला प्रॉफिट कि आपका जो ट्रांजेक्शन है बैंक अकाउंट से डीमेट अकाउंट तक वो बचेगा, बार बार जो आपका पैसा है बार बार आपके बैंक अकाउंट में जा रहा है, उसके बाद आप दोबारा उसे डीमेट अकाउंट में लेके आ रहे हैं, तो आपको ये ट्रांजेक्शनें कम हो जाएंगी, आपका पैसा बार बार इधर उधर नहीं होगा आपका, यानी कि आपको डीमेट अकाउंट में पैसा रुकेगा, ठीक है, उस पर आपको रिटर्न भी जनरेट होंगे, आपका जो पैसा है वो सेफ पड़ा रहेगा। ठीक है, और जब भी जरूरत पड़ेगी मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी आती है आप लिक्विड बीज को बेचिए तुरंत, क्योंकि देखिए वो उसी प्राइस पे रहता है, ठीक है, उसी प्राइस पे रहता है, तो उसी प्राइस पे बिकेगा, और आप बेच के जो है कोई भी मार्केट की अपॉर्चुनिटी को मिस ना करेंगे, आप तुरंत जो है उसमें अपनी पोजिशन बना सकते हैं। तो पहला प्रॉफिट ये है आपका। अब देखिए मैंने लगभग 1,00,000 रुपये जिस डीमेट अकाउंट में डाल रखे हैं वहाँ पे इसने कैसे रिटर्न बना के दिए हैं, किस तरीके से इसमें पैसे आते हैं, वो उस पर एक नज़र मैं आपको जरूर डलवा देता हूँ ताकि जो है आपको पता लगे। तो देखिए इसको कुछ स्क्रीन शॉट मैंने जो है लिए हैं, ये देखिए लिक्विड वीज है, ठीक है सर, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें लगभग 1,00,000 रुपये का लिक्विड वीज खरीदा हुआ है, 1,00,000 रुपये का लिक्विड वीज खरीदा हुआ है, और ये इसका एवरेज प्राइस आप मानेंगे तो ये देखिए ये 993.90 पैसे का रह गया, खाली इतने रुपए का इसका एवरेज प्राइस आ गया, ये एवरेज प्राइस है, ठीक है, ये इन्वेस्टेड अमाउंट है, ठीक है सर, ये कितने रुपए पे खरीदा था वो था, अभी करंट में क्या वैल्यू है वो ये है, कितने रुपए बने हैं 613.50 रुपये, कितने परसेंट का रिटर्न है तो आप देखेंगे प्लस में है कितना, 0.61% के आसपास आपके सामने सारी चीजें। अब ये बना कैसे, आपके कैसे दिखाई देगा, तो एक तो देखिए आपका एवरेज प्राइस रेगुलर बेसिस पे नीचे आ रहा है, और यहाँ पे इतना प्राइस कभी 993.90 रुपये का कभी भी लिक्विड वीज तो मिला ही नहीं, मैंने आपको शुरू से लेके अब तक का प्राइस दिखाया वो 1,000 रुपये के आसपास ही घूमता रहता है। तो देखिए रेगुलर बेसिस पे अब इसमें मुझे यूनिट मिल रहे हैं, डिविडेंट मिल रहे हैं, आप जो समझना चाहें आप समझ सकते हैं, उसकी वजह से आपका एवरेज प्राइस टोटल जो है नीचे की तरफ जाता जा रहा है, और आपका जो प्रॉफिट है देखिए ये बनता जा रहा है, ठीक है, आपके सामने दिख रहा है 613.50 रुपये, ठीक है सर। अब ये कैसे कैसे मिलता है, कितने कितने टाइम पे मिलता है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखिए एक बार हम और देख लेते हैं कि ये किस तरीके से आपको यहाँ पे मिलता है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट अगर हम करेंगे इसको, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे ये जो है आपको मिलने वाला है। तो ये देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसने जो डिविडेंड दिया है, ये देखिए डेट वाइज डिविडेंड है ना, 60 रुपये मिले, यहाँ पे 53 रुपये मिले, 52 रुपये मिले, इस तरीके से कुछ पैसे आपको इसमें मिलते रहते हैं, ये 120 रुपये मिले, 44 रुपये मिले, 75 रुपये मिले, तो ये डेट वाइज आप देख सकते हैं किस डेट में कितने कितने पैसे जो है इससे मिले हैं आपको, कितने कितने पैसे यहाँ से आपको मिले हैं, ये सारे मिला के 600 कुछ रुपये यहाँ पे जो है बन रहे हैं ना, ये देखिए 26/12 में 120 रुपये इसमें मिले, ठीक है सर, 19/12 में इसमें जो है 44 रुपये मिले, ठीक है सर। अब ये मिलता कैसा है कि आपका पैसा जो है वो टोटल डेट इंस्ट्रूमेंट में लगता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, G-Sec वगैरह में, तो एकदम जो बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है उसमें आपका पैसा लगता है, और वहाँ से जो भी इनको मिलता है, जिसको ब्याज कह लो या जो भी रिटर्न ये इनको मिलता है,
तो वो रिटर्न ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो आपके अकाउंट में यहाँ पे दिखाई देता है, उसके हिसाब से आपका यूनिट प्राइस जो है, जो आपने खरीदारी करी है, वो नीचे आ जाती है, तो वहाँ पे जो है प्रॉफिट आपका दिखने लगता है, और आपको ये कैसा कैसा कितना कितना मिल रहा है ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए रिटर्न तो बन रहा है, यानी पैसे तो मिल रहे हैं, तो पक्का लिक्विड बीज से जो है रिटर्न कैसे बनते हैं आपको समझ में आया होगा कि लिक्विड बीज से कैसे कैसे डिविडेंड के रूप में आपको पैसे मिलते रहते हैं डेट वाइज। ठीक है सर, अब आप 12वें महीने में देखेंगे तो लगभग देखिए 1 2 3 4, है ना, दिसंबर में लगभग 4 बार पैसे आए हैं, है ना, दिसंबर में 4 बार पैसे आए हैं, और इसी के आधार पे आप देखेंगे कि लगभग उसने 600 कुछ रुपए बना के दिए हैं। ठीक है सर, 600 कुछ रुपए बना के दिए हैं। तो दो चीज़ें थी यहाँ पे समझने वाली, लिक्विड वीज में आपको पैसा क्यों रखना है, एक तो आप फालतू की ट्रांजेक्शनों से बचेंगे अपने डीमेट अकाउंट से बैंक अकाउंट तक, और आपको पैसे कैसे बनते हैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे किस तरीके से रिटर्न आपको लिक्विड बीज से मिलते हैं, और आप एकदम से सेफ इंस्ट्रूमेंट में आप पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, आपका पैसा जीसैक में है, तो ऐसे करके आपको जो है टोटल ये डेट फंड है और आपका पैसा डेट में लग रहा है ना, तो यहाँ पे दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। आपको जितना ही फ्री अमाउंट पड़ा हुआ है डीमेट में, वो आप अपना लिक्विड बीज खरीद के रखिए, और जबरदस्त तरीके से 4.5 से 5% के रिटर्न आपको ये बना के देगा, और अगर मार्केट में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वहां से भी आपका पैसा बनेगा, जबरदस्त तरीके से आप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएंगे, आपको बैंक से अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिक्विड बीज को सेल करिए, और जो भी आप पोजीशन मार्केट में बनाना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग की, वो बना सकते हैं। जबरदस्त और शानदार स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ साझा की है ETF स्विंग ट्रेडिंग की, उन्हें उनका पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, उसे जाके आप देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। और अभी तक दोस्तों अगर आपने अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाके आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, AMC भी बिल्कुल फ्री है। बाकी अगर आपका कुछ क्वेश्चन या क्वेरी रहता है तो आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सअप या ईमेल आईडी पे भी संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।